तिवारीपुर थाना क्षेत्र में चिटफंड कंपनी के नाम पर सैकड़ों लोगों से कंपनी में पैसे जमा कराने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया था, जिसको गंभीरता से लेते हुए तिवारीपुर पुलिस ने अचीवर्स मेगा मार्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी बनाकर डेली कलेक्शन के नाम पर करोड़ों रुपए की जालसाजी करने में कंपनी के डायरेक्टर शमीम अहमद पुत्र स्वर्गीय रियाजुल हक निवासी दाऊदचक थाना तिवारीपुर व सनी कुमार पुत्र स्वर्गीय विनोद कुमार निवासी नरसिंहपुर थाना तिवारीपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि फाइनेंस कंपनी बनाकर लोगों के पैसे दुगना करने के लिए इन लोगों ने पैसों का कलेक्शन किया था। जब उपभोक्ताओं ने अपने पैसे लेने गए तो इन लोगों ने कंपनी के भाग जाने का हवाला देते हुए रुपये हड़प लिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा, कौन वाले हैं? ये वज्र वाले हैं, थोड़ा आगे आएंगे ये लोग, थोड़ा आगे आप वज्र वाले के पीछे। अरे बाटे नहीं हो क्या सब? तो आगे करिए, आप लोग आगे आ जाओ, आगे आओ, पीछे इधर से जाओ, आगे आओ। और टोपी वाले को आगे करो, क्लियर वाले। अरे मगर सबसे ज्यादा गिरफ्तारी खोराबार और राजघाट द्वारा की गई है। इस पे एनबीडब्ल्यू आते रहते हैं तो कोई डेट नहीं था। हर थानों में जितने एनबीडब्ल्यू पेंडिंग थी सबकी संख्या जोड़ के फिर उनको एक साथ दिया गया। और जितने एनबीडब्ल्यू पड़े हैं सबको एक साथ इम्प्लीमेंट किया जाए। टोटल हमारे पास शहर के सभी थानों का जोड़ा गया तो 140 आए ऐसे। सारे इंस्पेक्टर साहबों को बुला लीजिए। की लिस्ट बनाई गई थी, लिस्ट बनाने के बाद सातों थानों ने उसमें लग के कार्रवाई की है और सातों थानों की गिरफ्तार किए गए हैं पिछले चार दिनों में। और इनकी डिटेल्स अब बाइट में हम आपको दे देते हैं, प्रेस नोट में सारे सारे डिटेल दिया हुआ, तो आप बाइट ले लीजिए। ये 19 तारीख से लेके 22 तारीख तक शहर के सातों थाना क्षेत्रों में कप्तान साहब ने निर्देश दिए थे कि जितने भी अपराधी हैं जो कि अभी हमारे यहाँ वांछित चल रहे हैं, चाहे एसआर केस, नॉन एसआर केस, एनबीडब्ल्यू या टॉप 10 में, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उस कार्रवाई के तहत कुल 75 गिरफ्तारियाँ की गई हैं पिछले चार दिनों के अंदर। इसमें से जो संगीन अपराध हैं जिनमें लोग गए हैं वो हैं हत्या के 6 मुलजिम एक बार पकड़े गए हैं, गैंग रेप और रेप के 5 पकड़े गए हैं, पॉक्सो के 1 पकड़े गए हैं, लूट के 2 पकड़े गए हैं और गैंगस्टर के 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं। इनके अलावा आपके 25 एनबीडब्ल्यू के अपराधी पकड़े गए हैं, कुल 17 एसआर वांछित पकड़े गए हैं, अन्य वांछित 17 पकड़े गए हैं और टॉप 10 अपराधी जिनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है वो कुल 16 हैं। और भी अपराधियों के घर पे दबिशें दी गई थी जो वहाँ पर अभी नहीं मिले हैं या फिर कहीं बाहर हैं, उनके खिलाफ भी आगे कार्रवाई जारी रही। सर इनामी भी है इसमें कुछ? इनामी इसमें कोई भी नहीं मिला है। जो इनामी थे कुल हमारे शहर क्षेत्र में वो 7 से 8 के आसपास थे, जो इस वक्त शहर में नहीं है उनके पीछे भी टीमें लगाई गई। सर कितने थानों पे ये कुल 7 थानों ने मिलकर इसमें कार्रवाई की है और हर थानों से अलग अलग संख्या में कार्रवाई की गई है इसमें।